और तीसरा चीज जिसका मैं फैन हूँ इस बाइक के, भाई सोचो आप लोग क्या हो सकता है। इस बाइक अगर आप 20 साल के हो तभी इस बाइक को राइड कर सकते हो, 50 साल के तब भी आप राइड कर सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग तंदुरुस्त मस्त एंड अपनी मस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे भाई लोग। और आज आप लोग फिर एक NH पे आए हुए हैं भाई। सो आज मेरे को लगा चला बहुत दिन हो गया भाई लोग आप लोग के लिए वीडियो शूट करते हैं। तो ये अपनी बाइक लेजेंड मशीन भाई, ऑलवेज फायर मशीन अपनी है भाई, कभी भी पावर में है, कभी अपन लोग को ये कभी सैड नहीं करते भाई। तो चलो सारी बातें आप लोग बाइक पर ही करेंगे। चलो वन शॉट हो जाए मेरी जान। ओके, कुछ अलग टॉपिक नहीं होने वाला, हम लोग इस बाइक के ऊपर ही बात करने वाला हूँ भाई। बात यह है भाई कि जब से इस बाइक मैं लिया हूँ ना भाई, अप्रोक्स मेरे को अब देख लो 35,000 किलोमीटर समथिंग यह बाइक चल गई है। आज तक इतने दिनों में, 2 सालों के अंदर में मेरे को आज तक ये बाइक डिसअपॉइंट नहीं किया भाई, मेरे को कभी नहीं किया भाई, कभी लिटरली बता रहा हूँ आज तक नहीं किया भाई। बाइक परफॉर्मेंस भाई कैसी है, बाइक आपको रास्ता में छा तो नहीं भाई लटका देगी, तो इसके लिए मैं इस बाइक को सैल्यूट करता हूँ भाई। इतना 220 cc होने के बावजूद भी ये बाइक का सेल्फ आज तक कभी मेरे को डिसअपॉइंट नहीं किया भाई। ओ भाई साहब, ये बाइक है भाई, तभी तो इसका नाम मैं रखा हूँ भाई क्रेजी मशीन लेजेंड। पावर में कभी भी आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी डूड, इतना इसमें पावर भाई भर भर के कंपनी वाले ने दिया ना भाई। क्या करो बजाज वाले, उठो भाई, इस बाइक को आप तो भाई बंद ही कर दियो, क्या बोलूँ भाई। इस बाइक में जो पावर है ना भाई वो डिलीवर करती है क्विकली भाई। एक्सेलरेशन इसका देखो, ये देखो लाजवाब भाई, इतना ब्रूटल पावर इसका भाई। और सबसे अच्छी चीज़ बाइक की एवरग्रीन जो मैं बोला हूँ वो है इसका भाई हैंडलिंग भाई, इतना इसका जो मतलब यूज टू हैंडलिंग है भाई, पॉकेट वॉकेट टाइप यार, जिधर भी चाहो कट मार सकते हो, मतलब लंबे लंबे टूर पे जा सकते हो आप, एडवेंचरिंग कर सकते हो। इस बाइक अगर आप 20 साल के हो तभी इस बाइक को राइड कर सकते हो, 50 साल के तब भी आप राइड कर सकते हो। और पावर में तो भाई लाजवाब भाई, इसका तो कोई यही नहीं भाई, कोई तोड़ नहीं है। तो आज इसकी 5 चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, अप्रोक्स हो सकता है 4 भी हो, 5 में बोल दिया हूँ। पहली चीज़ बाइक की सबसे अच्छी मेरे को लगती है वो इसका मेंटेनेंस डूड। 220 सेगमेंट में आप कोई भी बाइक में चले जाओ ना भाई, इससे ज़्यादा मेंटेनेंस आपको लगेगी भाई। आपने KTM में तो अलग ही भाई, एक सियापा हो जाता है, चोचला है सारा उसका, मेंटेनेंस काफ़ी हाई होता है। और बात करूँ यमहा की, यमहा में 200 सेगमेंट में तो अभी तक शायद कोई बाइक है नहीं, है तो नेकेड में है, फेयरिंग में नहीं है अभी, है तो R15 है तो 155 cc की है, उसके भी मेंटेनेंस इससे ज़्यादा है। और इसका जो मतलब बोल सकते हैं एसेसरी जिससे ज़्यादा कॉस्टली है, हाँ ये अलग बात है कि इस वो बाइक थोड़ी सी कॉस्टली है, प्रीमियम है तो उसका पार्ट्स भी थोड़ा प्रीमियम है। बट इस बाइक की बात करूँ इस सेगमेंट में तो काफ़ी लो मेंटेनेंस भी इस बाइक का मेंटेनेंस है भाई। मैं इस बाइक को डेली वर्क में भी यूज़ करता हूँ, लाइफ में और पर्सनल ब्लॉग में भी यूज़ करता हूँ, घूमने के लिए भी यूज़ करता हूँ, सब कुछ के लिए यूज़ करता हूँ भाई। कभी मेरे को इरीटेट नहीं किया, कभी मेरे को ये अनसेटिस्फाइड नहीं किया कि बाइक यार ले कि मैं क्या किया हूँ नहीं किया हूँ। लंबे टूर पर चले जाओ भाई, हैंडलिंग बाइक का ना बैक पेन होता है ना रिस्ट पेन होता है, कुछ भी नहीं डूड, कुछ भी नहीं, मतलब क्या बोलूँ भाई, सैल्यूट है मैं इस बाइक को। दूसरी चीज़ बाइक की बात करूँ, 220 सीसी होने के बाद बाइक की जो पावर है डूड, इतनी ज़्यादा ब्रूटल ये बाइक की पावर है कि मत पूछो यार। मतलब आप इसमें 3 बंदे को भी बैठा लोगे ना डूड, तो मतलब कभी आपको फील नहीं होगा कि पावर अंडर पावर फील हो रहा है बाइक। और तीसरा चीज़ जिसका मैं फ़ैन हूँ इस बाइक के भाई, सोचो आप लोग क्या हो सकता है। पल्सर 220 का लोग फ़ैन क्यों है बताओ? मेरे हिसाब से जो मैं इसका फ़ैन इस बाइक का वो है इसका माइलेज। 220 cc होने के बाद भी इस बाइक की जो माइलेज है ना यार, क्या बोलूँ भाई। मतलब इस बाइक को आप जिस तरह चलाओगे उस तरह माइलेज निकालोगे, लाइक आप 100 के पार आप चलाते हो एवरेज, तो बाइक का माइलेज थोड़ा डाउन होता है, 25-30 में आ जाएगा, 25-30, हाँ सही है, राइट, मैं सही बोल रहा हूँ। और आप इसको 70-80, 60-80 के बीच में चलाओगे तो ये बाइक, मेरी बाइक की पर्सनली बात कर रहा हूँ, तो 35-40 माइलेज निकाल के देती है। अगर आप 60 और 80 के बीच में चलाओगे तब, मतलब जिस तरह चलाओगे ना भाई उस तरह माइलेज निकाल के देती है। ऐसा नहीं कि 220 cc की बाइक है तो 20-25 की माइलेज देगी भाई। NS बाइक 160 160 cc की है भाई, फिर भी इससे कम माइलेज निकालती है भाई। और ये मतलब सोच रहे हो ना राइट, 220 cc होने के बाद भी इतना ज़्यादा ये माइलेज निकाल के देती है, इसका मैं सबसे बड़ा फैन इस बाइक का हूँ भाई।
और क्या बोलूँ, और सब, और उससे दूसरी बात और भी अच्छी है इस बाइक की है, दो तीन चीज़ मैं बता दिया हूँ, शायद ये चीज़ मिस हो गया हो और जो कि मैं पहले बोल चुका हूँ। इसका सेल भी यार, मेरे को बाइक लिए हुए अप्रोक्स 2 साल हो गया है, इसका सेल भी इतना मस्त है भाई, अब एक बार प्रेस करो सट से स्टार्ट हो जाएगी भाई, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। ऑनेस्टली बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को प्यार बरस रहा है इस बाइक के ऊपर, पता नहीं क्यों। अब इस बाइक में थोड़ा सा सोच रहा मॉडिफाई कराने का, कुछ अच्छा मॉडिफाई लाइक एसेसरीज कुछ लगवाऊँगा। चलो थोड़ा बाइक्स पावर डिलीवर किया जाए बाइक का, मज़ा लेते हम लोग। अबे ट्रक वाले क्या कर रहे हो यार, तभी मैं इसका इतना बड़ा फ़ैन हूँ यार, इसको इतने प्यार से मैं रखता हूँ। मेरे पास कोई भी बाइक आ जाए इन फ्यूचर, बट इस बाइक से जो प्रेम, मतलब प्रेम है ना भाई, जो लगाव है, जो अट्रैक्शन है, जो अटैचमेंट है, वो कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। जब से मैं बाइक स्टार्ट किया हूँ चलाना भाई, बाइक का मुझे शौक अंदर से आया है, क्यूरियोसिटी बाइक चलाने की, अच्छा खासा बाइक चलाने का, स्पोर्ट बाइक, तभी से बाइक मेरे पास है और इसको मैं तभी से चला रहा हूँ। और इससे जो अटैचमेंट है ना, बहुत सारी बाइक चला उतना अटैचमेंट इस बाइक से ज़्यादा कभी नहीं हुआ भाई, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी इतनी लाजवाब है, पावर कंट्रोलिंग तो उतना बोल सकते हैं 50-50 है, खास कर हमारी बाइक की ABS नहीं है, और माइलेज हैंडलिंग एवरग्रीन भाई, टोटल मस्त भाई। और ज़्यादा मैं पावर नहीं दूंगा भाई, ऑल्दो मैंने बाइक में फ्यूल कम है, और अभी तो सीन ये हो रखा है भाई कि बोला नहीं चाहिए, बट आप लोग फ्रेंड हो मेरे, फैन लोग हो, तो अभी पॉकेट मनी भी काफ़ी ढीली है भाई, अभी मेरे पास कैश में कुछ भी पैसा नहीं है कि मैं इसमें फ्यूल ले पाऊँ, अकाउंट में कुछ है बचा कुचा भाई, तो मोबाइल हो गया बंद, तो इसलिए मेरे को इसी फ्यूल से मेरे को रूम तक पहुँचना है, तो ज़्यादा मैं पावर नहीं दूंगा, नॉर्मल में अब चलाता हूँ। ओके, तो ये सारा इस बाइक का खूबी है भाई, जो कि मेरे को हमेशा अच्छा लगता है, मेरे को लगा चलो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, तो शेयर कर दिया हूँ। तो भाई वीडियो अभी थोड़ा सा आप लोगों को ड्रॉप करके मिल रहा है, काफ़ी दिनों के बाद 10 दिन 15 दिन 1 सप्ताह में मिल रहा है, तो बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा वीडियो कंटिन्यू लाने की, बट आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दो भाई, कमेंट कर दो, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना भाई, तो जिससे मेरे को जो है ना वो मोटिवेशन मिलता है अंदर से अच्छा वाला, तो मैं और मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा भाई, कंटेंट लाऊं तो दमदार लाऊंगा, और दो बाकी और ऐसा वैसा कंटेंट लाने मेरे को जो है ना वो मज़ा नहीं आता भाई, तो मैं हमेशा से मैं सोचता हूँ कि अच्छा कंटेंट हो जिससे आप लोग भी भाई यू नो कि मतलब अच्छा लगे, मतलब दिखने में वीडियो, ये सारा सीन रहता है हमेशा से। ओके गाइस, तो आई थिंक ये वीडियो यहीं एंड करना चाहिए, अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना, मिलते हैं किसी अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए हेल्थ रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और ज़िंदगी अपनी अच्छे से गुजारो, लाइफ में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है डूड, चाहे छोटी से छोटी चीज़ आपके पास हो या बड़ी से बड़ी चीज़, खुश रहो हमेशा, भगवान का थैंक्सफुल हमेशा करो। ओके चलो बाय बाय।